एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए व्रत वाला कस्टर्ड बनाते हैं। दूध को रख दिए हैं हम कढ़ाई में गर्म होने के लिए। दो चार चम्मच साबुदाना लिए हैं, उसको कपड़े से पहले पोंछ लिए हैं, फिर उसको पाउडर बनाए हैं। तो देखिए थोड़ा सा दरदरा पाउडर हुआ है। अब इसमें पानी डाल के हम घोल लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इधर दूध उबल रहा है, तब तक दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए जब तक दूध गाढ़ा हुआ तब तक साबुदाना भी जम गया है। अब इसमें पानी डाल के थोड़ा सा पतला करके इसको दूध में हम डाल देंगे। इसमें एक कड़छी चीनी डाल देंगे, मतलब 5-6 चम्मच चीनी रहेगा। आप अपने स्वाद के अनुसार अधिक कम कर सकते हैं। अब इसके बाद साबुदाना डाल दे रहे हैं जो पीस के रखे हुए हैं। देखिए इसका घोल पतला कर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके दो बार में डाल दिए हैं। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे पकड़ लेगा। तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कैसे पता चलेगा कि पका है कि नहीं? तो देखिए छोटा छोटा जो दाना दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसलिए पता चल गया कि ये पक गया है। अब इसमें कलर के लिए थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे क्योंकि व्रत वाला है, नहीं तो हल्दी लोग डालते हैं। कस्टर्ड पाउडर में हल्दी डाला हुआ होता है। तो देखिए कलर से कितना अच्छा दिख रहा है। आपके पास केसर हो तो केसर ही डालिए। अब ये पतला था तो इसमें हम 1 चम्मच साबुदाने वाला पाउडर और मिला दिए हैं ताकि गाढ़ा बन जाए। अब कलर थोड़ा सा और डाले तो अधिक हो गया, तो उसको ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। और इधर हम फल काट के रख ले रहे हैं। तो यहाँ सेब रखे हैं, आप चाहे तो छील के काटिए चाहे बिना छीले काटिए। अभी हम छील ले रहे हैं, देखिए छील के इसको काट ले रहे हैं। इसके बाद ड्राई फ्रूट भी काट लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो इसमें डालना चाहें फल वो डाल सकते हैं। तो देखिए ये सब कट गया है। इधर काजू बादाम किशमिश है और केला सेब अनार है। चलिए इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। केला डाल दिए, इसके बाद सेब डाल दे रहे हैं, इसके बाद अनार डालेंगे, बाकी का बचा इकट्ठे बर्तन में डाल देंगे। जितना खाना हो उतना ही बनाइए। तो आप देख सकते हैं बाद में जो कलर डाले उससे थोड़ा सा ही अधिक हो गया है, लेकिन स्वाद में कोई अंतर नहीं है। अब इसके बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो कस्टर्ड में ही डाल सकते हैं। हम बादाम डाल दे रहे हैं, इसके बाद काजू डालेंगे,
इसके बाद किशमिश डाल दे रहे हैं। अब ये हमारा खाने के लिए तैयार हो गया है। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। इसी तरह आप भी बनाइए और इंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।